पीएम मोदी जब भी भारत से विदेश के लिए रवाना होते हैं, उसके बाद से महिला मोदी के साथ हर वक्त साई की तरह रहती है। अजीत डोभाल और जयशंकर से भी ज्यादा मोदी तवज्जो देते हैं। इस महिला के बिना मोदी का हर मिशन इम्पॉसिबल है। राष्ट्रपति बराक ओबामा, ट्रंप और बाइडेन के साथ भी इस महिला की तस्वीर, लेकिन मोदी के साथ क्या रिश्ता है जानते हैं आप? पिछले 9 साल से महिला पीएम मोदी के साथ परछाई की तरह रहती है। मोदी जब भी विदेश दौरे के लिए रवाना होते हैं, सबसे पहले इस महिला को पता होता है। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से महिला मोदी के संपर्क में आई और पिछले 9 साल से हर वक्त मोदी के साथ परछाई की तरह रहती है। यहाँ तक कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे हो, ट्रंप रहे हो या फिर बाइडेन, मोदी की हर बड़ी मीटिंग में भी ये महिला बगल में बैठती है। पीएम मोदी इस महिला को अजीत डोभाल और एस जयशंकर से भी ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस महिला के बिना मोदी का हर मिशन इम्पॉसिबल है। इसीलिए मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले पीएम मोदी और इस महिला के रिश्ते के बारे में जानना आपके लिए और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। इस महिला का नाम है गुरदीप चावला। अमेरिका में पीएम मोदी की होने वाली हर मीटिंग में आपने इस महिला को नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन ये महिला हमेशा मोदी के आसपास ही रहती है। गुरदीप चावला ने 1990 में भारतीय संसद में एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, लेकिन भारत में उनका करियर 1996 में अचानक से समाप्त हो गया। इसके बाद गुरदीप चावला ने शादी की और अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। 1996 के आसपास पीएम मोदी गुजरात के एक साधारण से बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन मोदी जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब जनवरी 2015 में मोदी से मिलने के लिए भारत आए, उसी दौरान पहली बार पीएम मोदी और गुरदीप चावला की मुलाकात हुई। इसके बाद पिछले 9 साल से महिला पीएम मोदी के हर विदेशी दौरे में साय की तरह साथ रहती है। पीएम मोदी इस महिला को अपने साथ क्यों रखते हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। गुरदीप चावला इंडियन लैंग्वेज सर्विसेज LLP की डायरेक्टर है। ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। डिप्लोमेटिक और कॉर्पोरेट वर्ड को ट्रांसलेट और इंटरप्रिटेशन सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। आपने देखा होगा कि मोदी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमेशा हिंदी में बात करते हैं। तो क्या पूरी दुनिया को हिंदी आती है? और फिर वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैसे पीएम मोदी की हिंदी भाषा को समझते हैं? गुरदीप चावला इस काम को आसान करती हैं। गुरदीप चावला पीएम मोदी की हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं। जब भी मोदी विदेश के दौरे में जाते हैं, उस दौरान ज्यादातर बड़ी मीटिंग में गुरदीप चावला हमेशा पीएम मोदी के आसपास ही रहती हैं। पहले बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन। जब भी पीएम मोदी की इन अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बातचीत हुई तो गुरदीप चावला मौजूद रही। तकरीबन हर विदेश दौरे में गुरदीप चावला पीएम मोदी के साथ रहती हैं। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। बराक ओबामा और पीएम मोदी के ठीक पीछे गुरमीत चावला बैठी हुई हैं। आमतौर पर इस तस्वीर को देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर ये महिला यहाँ क्या कर रही है, लेकिन सच ये है कि अगर ये महिला यहाँ नहीं होती तो पीएम मोदी जो हिंदी बोलते हैं वो ओबामा को समझ ही नहीं आती। मोदी की हिंदी को यही महिला ट्रांसलेट करके ओबामा तक इंग्लिश में पहुंचा रही है। 2010 में गुरदीप कौर को ओबामा की टीम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के लिए पहली बार भारतीय यात्रा के लिए बुलाया था। इसके बाद जब पीएम मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2015 में गणतंत्र दिवस परेड में ओबामा भारत आए थे और उसी दौरान की तस्वीर है। इस वक्त अमेरिका, कनाडा, भारत के बीच लगभग सभी हाई प्रोफाइल राजनीतिक बैठकों में गुरदीप पीएम मोदी के साथ साय की तरह दिखती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इस महिला के बिना पीएम मोदी का हर अमेरिका दौरा इम्पॉसिबल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर जरूर बताएं। दराशित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।